लगातार से 106 घंटे से हड़ताल में बैठे थे और लगातार से 6 दिन से कलेक्टर कार्यालय के सामने में बैठे होने के बाद भी किसी प्रकार के न शासन के द्वारा न प्रशासन के द्वारा हमें ये आज तक बात करने नहीं आए। आप क्यों बैठे हो ये पूछने नहीं आए। मतलब ये दुर्भाग्य है, कलेक्टर कार्यालय ने इतनी, मतलब जिले के कलेक्टर कार्यालय ने, कलेक्टर शब्द ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी प्रशासन के कोई व्यक्ति, न शासन के व्यक्ति न प्रशासन के व्यक्ति। इसलिए हमने सोचा कि विधायक कार्यालय है, नंगारा बजा के उनको जगाया जाए, हो सकता है वो सोए हुए होंगे, तो फाग के माध्यम से हम इस, आज पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, फिर प्रशासन ही द्वारा हमको अनुमति दिया गया, इसीलिए कार्यालय में लाके टोकन इस बात के लिए दे रहे हैं, क्योंकि भूपेश के द्वारा ये कहा गया था कि ये कोचियाओं का धान है, किसानों का धान नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, एक तो धान फर्जी है या टोकन फर्जी है, और उसी के वजह से हम लोग देने आए। जो है जो विधानसभा का था दांत चालू होएगा, 5 दिन लगा कर अध्यक्ष का छठवां दिन का, अरे 15 दिन का चालू होगा। एक मिनट यहाँ मंत्री कार्यालय आ रहे थे, मैंने उनका सम्मान करते हुए मैंने उनसे वहीं मुलाकात करना उचित समझा और उनकी बातों को सुना, और क्योंकि ये शासन प्रशासन स्तर का मामला है तो मैंने उनको कहा कि आपकी बातें माननीय मंत्री जी तक पहुँचा दी जाएगी और जो भी वहाँ से निराकरण आपकी मांगों के संबंध में होगा आपको मैं आके अवगत करा दूँगा करके। उन्होंने जिद की कि हम मंत्री कार्यालय में ही जाएंगे करके, तो मैंने उनको सम्मान के साथ यहाँ उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और उनका जो टोकन है, सांकेतिक रूप से उन्होंने अपना टोकन यहाँ दिया है, तो मैं अब भी कहता हूँ कि जो भी बातें हैं मैं शासन प्रशासन तक माननीय मंत्री महोदय तक पहुँचा दूँगा और जो भी वहाँ से उनका जो निर्णय रहेगा या संदेश रहेगा मैं इन किसानों तक भी पहुँचा दूँगा। बाकी कलेक्टर कार्यालय के पास जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोग आज एक रैली के शक्ल में नगाड़ा बजाते हुए स्थानीय जो विधानसभा कार्यालय है उधर आ रहे थे। उनको कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से बीच मझगांव तिराहा पे रोका गया और उसके बाद फिर उन्होंने मांग की तो उनके एक डेलीगेट से, छोटा डेलीगेट्स था, उनको यहाँ तक लाया गया जो कि यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं।